एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड, मैं ठीक हूँ। होप करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और अपनी आदू के साथ अपनी लाइफ और मन्नत के साथ एंजॉय कर रही हूँ। मन्नत बीमार है, एंजॉय उसके साथ तो नहीं कर रही, खाली आदू के साथ ही कर रही हूँ और इसके पापा तो ड्यूटी गए हुए हैं, इसलिए मैं और आदू जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और आज ना अच्छा सा मौसम है, कल काफ़ी बारिश हुई थी, बारिश के कारण ना थोड़ा सा मौसम में भी चेंजिंग आया है, तो अभी थोड़ा मस्त सा मौसम है। अभी मैं ना सोचा कि शॉर्ट वीडियो ना शूट कर लेती हूँ और आपसे लॉन्ग वीडियो पे भी बात कर लेती हूँ। तू क्या कर रही है? मेरे को दे, मेरे को दे। नहीं नहीं नहीं, उठ जाना। ये तेरे को चलाना नहीं आता, मैं चला के बताऊँ। लकड़ी की काठी पता चल गोले की दुम पे जो मारा थोड़ा। अभी ना मैं कपड़े धो रही हूँ और बस आज ही क्लीनिंग की है और साथ के साथ कपड़े भी धो रही हूँ। और बज गए हैं 12 बजे का टाइम होगा मे भी। और ये ना मैंने क्लिपिंग पहले डाल दी है और वो डस्टिंग वस्टिंग वाली बाद में होगी है, चलो कोई ना। तो अब बस कपड़े वपड़े धो कर के ना, तो बस फिर फ्री होकर के बस अभी नहा के खाना वाना चावल बनाने लगी। सब्जी तो बना दी हुई है और पनीर और आलू बनाए थे अपने लिए और मन्नत के लिए। खाली गोभी बनाई है कद्दूकस करके ना, खाली ऐसे ही तड़के के बगैर में, तो बस वही है। और चावल लगाने हैं क्योंकि हम लोग तो चावल ही खाते हैं ना, तो बस जल्दी जल्दी से मैं कपड़े डाल लेती हूँ, साथ के साथ ना मैं चावल भी लगा देती हूँ, तो बस फिर ना फ्री हो जाएंगे। उसके बाद मन्नत की ट्यूशन आ जाएगी और फिर इसको ट्यूशन छोड़ने जाएंगे। और बस यार टाइम नहीं मिलता है, मैं तो बिल्कुल भी, मेरी ना कमर ना बस 12 बज जाते, बैंड बज जाते मेरी कमर की काम करते करते, इतनी नहीं कर पाती हूँ अब यार। पहले तो बहुत काम करती थी, मगर इन एक दो सालों में ना पता नहीं क्या हुआ है मेरे को, एक दो सालों में मैं बड़ी लेजी जैसी हो गई हूँ, काम करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। दूसरा यहाँ से ले लेना, नेवरी बोतल निकाल के बड़ी बड़ी बना रही है, लंच बॉक्स है ये वो है। अब वहाँ से पानी की बोतल ले लो, क्योंकि मन्नत को हम ना यही वाला पानी देते हैं, इसलिए आदू को भी हम यही देते हैं, क्योंकि स्कूल में हम दूसरा पानी नहीं उनको, ये छोटी को भी नहीं देते कि घर में क्या पता उधर कौन सा पानी पी ले। आगे बड़ी मुश्किल से, अभी भी बीमार है मन्नत, उतनी प्रॉपर ठीक तो नहीं हुई है। अभी मॉर्निंग का टाइम है और ये स्कूल जाने की तैयारी कर रही है पूरे 1.5 महीने के बाद। अभी बाय बाय, लंच वंच इसका तैयार कर दिया और अभी आदू जो है इसको ना चाय डाल के दे दी है, अभी वो चाय पीने लगी है, ब्रेकफास्ट तो नहीं कर रही है। आ जाओ, छुपा क्यों रही है, लेट हो जाएगी, चला जा। रोटी नहीं खाती है? रोटी खानी है, रोटी नहीं खानी। क्यों? दिखाना दीदी को। चलो बैठो। चाय कैसे पी रही है? अरे चम्मच देखो, कपड़ों पे गिरेगा, कपड़ों पे गिरेगा। ये देखो ना, हमारी प्रिंसेस है, इसीलिए ये यूनिफॉर्म के बगैर जाती है, हमारी प्रिंसेस है ना। ये दिखा, बच्चे जो है वो लगा के जाते हैं यूनिफॉर्म, ये प्रिंसेस है, आता जाता है। मैं जा मना, जल्दी कर ब्रेकफास्ट, जा ब्रेकफास्ट का। क्या कहते हैं, ब्रम 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 ब्रम, ये क्या होता है, ब्रम 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 ब्रम, ओम फुट ओम फट फुट स्वाहा, क्या क्या बोलते हैं, ओम फट फट स्वाहा। नहीं मैं हिंदी के बच्चे, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। चलो ठीक है, अभी धोने जा रही हूँ मैं कपड़े, बहुत कपड़े पड़े हैं यार, धो जाते हैं तो कितने सारे कपड़े हैं, अभी और भी निकालने हैं और धो देते हैं, मशीन में डाल दिए हैं पानी वगैरह, अब धोते हैं कपड़े जल्दी जल्दी से और झाड़ू
वगैरह हम आते हैं और सफाई करते हैं अच्छे से। ना हम कपड़े धो लेते हैं, बाजू वगैरह डाल देते हैं, जितने भी वाइट वाइट कलर के हैं ना पहले वो डाल देते हैं। पता मुझे इस मैट्रेस है ना इसमें बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। पता मेरे जो डायलॉग थे वो ना मैंने अपनी काम वाली को दे दिए थे, जब मैं छन्नी में रहती थी ना तो मेरी शादी गए थे, मैंने उसको दे दिए क्योंकि उसका बेटा ना आता था मेरे घर में ना, तो वो आ करके ना वो भी उसको भी साथ लाती थी, तो फिर बोलता कि मेरे को ना गद्दू में आ करके लेटता था, बोलता था मुझे ना बहुत अच्छा लगता है मम्मा अगर हमारे पास होंगे हमें नींद बहुत आएगी ना अच्छे से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ना नया ले लूँगी इनको, वो मैं दे देती हूँ, मैंने उनको दे दिए। फिर अभी तक ऐसा वो टाइम ही नहीं बना कि मैं ना डेवलप ला पाऊँ, फिर शिफ्टिंग का ही रहा आपको पता, जैसे आप जानते ही शिफ्टिंग ही थी, तो फिर मुझे टाइम ही नहीं आया। तो फिर हमने ना तब तक के लिए ना हमारे पास ये मैट्रेस पड़ा हुआ था पूरे बेड का, तो यही कर लिया। अब देखती हूँ यार, सोचती हूँ फिर कोई ना हो जाता है यार, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, फिर ना एक बार ना चीज़ छोड़ दो ना वो रह ही जाती है, वो ना रह गए हुए हैं। मुझे ना आदत नहीं है ऐसे पे सोने की ना, मुझे नींद ही नहीं आती है इनके अच्छे से। सोचती हूँ कि अभी लाऊंगी, अब सोचा था कि अभी लाऊंगी मतलब बीमार हो गई, उससे पहले सोचा मैं लाऊंगी तो मैं बीमार हो गई, बस यही चलता रहता है मेरी ना जिंदगी। यहाँ पे ना मैंने सोचा जल्दी जल्दी से मैंने इसको फास्ट में कर दिया है, वॉइस ओवर कर दी है, और यहाँ पे ना चादर डाल रही हूँ, काश मेरी स्पीड इतनी तेज़ हो जाए और बस फिर तो काम करने का मज़ा ही आ जाए ना। तो ऐसा कोई पावर हो, कभी तो होगा कि ऐसा होगा कभी ना कभी ऐसे टायर लगेंगे या कुछ लगेगा, इंसान तो चांद पे भी पहुँच गया है, तो आसमान इंसान चांद पे पहुंच गया और हम यहाँ ही हैं। देखो ये मेरा कमरा हो गया है रेडी, और अभी हम जा रहे हैं वो करने के लिए, क्या बोलते हैं इसको, अभी मैं ना किचन में जा रही हूँ सफाई करने के लिए। और देखो ये बॉटल्स वगैरह का गंद कितना है, मन इतना बॉटल्स पानी पी करके फेंक देती है अपने सिरांदे के पास में, इतना भी नहीं करती कि मैं फेंक दूँ। सुबह सुबह देखो कितना मैसी हुआ है ना किचन, तो अभी मैं ना डीप क्लीन कर लेती हूँ किचन की, और जल्दी से जल्दी अभी देखना दूसरा रूम जो है वो पूरा बिखरा पड़ा है, क्योंकि आज डीप क्लीनिंग कर रही हूँ सारी, तो इसीलिए यहाँ पे सामान पूरा बिखरा हुआ है। तो अभी मैं ना यहाँ पे सामान वगैरह सेट कर लेती हूँ, उसके बाद में आपसे बात करती हूँ, और आप इंजॉय करो मेरी वीडियो। और इधर कपड़े धुलते रहेंगे और बस यार यहाँ से ही सेटिंग वगैरह करती रहूँगी। अब क्या करूँ यार, कितना ही काम करूँ सुबह सुबह ना मेरी बात सो जाती, मुझसे काम भी नहीं होता है, और ना काफ़ी दिनों से ना डीप क्लीनिंग नहीं की थी, वही कर रही हूँ, तभी टाइम लग रहा है, तो अब मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। इधर की तो कर ले, बस पोछा लगाना है, वो तो बाद में लगाएंगे। और यहाँ पे रिंग लाइट वगैरह आ गई, क्योंकि मैं अभी ना इसी पे लगा के थी, और एक ना मेरा यहाँ ही पड़ा हुआ है मेरा कैमरा, अभी तो इधर ही है, और मैं ना अभी हाथ से ही पकड़ करके ना शूट कर रही हूँ। चलो देखती हूँ फिर जल्दी जल्दी काम करती हूँ फिनिश, फिर आपको मिलती हूँ उसके बाद में, ठीक है, फाइनल लुक देती हूँ आपको फिर। और यहाँ पे ना देखो फ्रिज पूरा गंदा हुआ था, और बिल्कुल गंदा हुआ था, और जो भी है ना मन्नत और आदू क्या करते हैं सामान ना फ्रिज के ऊपर रख देते हैं, नेल पेंट वगैरह जो भी है ना वो रख देते हैं। और मैं ना अब ये पूरा उठा उठू के ना साफ़ कर रही थी, और एक टोकरी ले ली, टोकरी में सारा सामान डाल दिए, साथ में कप वप का पड़े हुए थे, दो कप थे वो भी मैंने निकाल दिए, और मैंने उसका कवर भी फेंक दिया, बाकी मैंने सारा सामान सेट करके रख दिया टोकरी में। और क्योंकि ये भी कह रहे थे यार ये बहुत वो मेरे को तंग करते, और आज ना पूरी टाइल्स वाइल्स पूरी साफ़ की, पूरा सामान उठाया यहाँ से, पूरा क्लीन कर दिया एकदम से मैंने, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे मैंने नई डीप क्लीनिंग की थी, तो अभी सोचा कि नहीं यार अब तो डीप क्लीन करना बनता है, आज तो मैं कुछ भी करके कर दूंगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे, तो बहुत मैसी लग रहा था, दीवार भी काफ़ी गंदी हो गई थी, ऐसे तो मैं साफ़ करती हूँ बट डीप क्लीनिंग वाली सफाई नहीं की थी, तो फिर पूरी मैंने ना स्टील वूल मार के ना पूरी टाइल्स वाइल्स अच्छे से चमका दी,
और थोड़ा थोड़ा था उन पे।